रन एक बार गिर जा, रन कंटेंट। जो वो पेन है ना, वो मैं समझ सकता हूँ। ओए, मैं मुक्का मार दूंगा। तुसी रो रहे हो? बाबा, एक तो अपना गेट इतना गंदा हो रखा है, तेरी तरह साफ करना पड़ेगा। साफ नहीं, इसमें पूरा काम होगा। पसीने क्यों आ रहे इतने? गंदे लोग को आते पसीने। कुत्ता पल्ले में पोंछ रहा है। गाइस, आपका ट्रेलर रोई दिया है इसके मैनर्स। बुबो, एक तो इसने गेट बंद कर लिया, तुम भी तो लड़ रही थी। तुमने क्यों मारा मेरे को, और वो भी इतनी तेज? तुमने भी तो मुझे मारा। तुमने मेरे को इतनी तेज क्यों मारा? गाइस, अभी हम लड़ रहे थे। नॉर्मल जो हमारा सुबह मॉर्निंग का रूटीन होता है, जो आज रेस्ट डे था एक्सरसाइज से और स्विमिंग से, तो हम लोग लड़ रहे थे नॉर्मली। ये इसने मुझे मुक्का मारा, मैंने भी मुक्का मारा और इसके तेज लग गई थोड़ी सी, तो उस पे चक्कर में रोने लग गई। रोंदड़। अरे अरे, कहां से पावर ला रही है इतनी? एक तो मेरे चप्पल स्लिप हो रहे। तेरी वजह से हुआ है। ओ अच्छा सुनो, एक शायरी सुनाता हूँ मैं तुम्हें, शायद तुम मान। क्या, कोई जरूरत नहीं है? जरूरत तो है, तुम इसी से मानती हो। देखो सुनो, मुस्कुराते हैं लव, आंखों में नमी है। मुस्कुराते हैं लव, आंखों में नमी है। सब कुछ है मेरे पास, बस तेरी ही कमी है। गाइस, ताली मारो, मारो ताली क्लैप। दैट वाज गुड। यू मतलब कम से कम शायरी तो अच्छी कर लो। अच्छी शायरी थी यार, कॉम ऑन यार, कमेंट सेक्शन में बताओ गाइस। तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। नहीं करती। तुम पहले जैसा, वो जो शादी से पहले जो प्यार था ना, वो तुम्हारा है ना, शादी के बाद वो सारा प्यार उड़ गया, खिड़की से बाहर चला गया। तो गाइस, ये है सत्तू जो कि आपके पेट को रखता है ठंडू। बाहर निकलने से पहले वाई नॉट अपने आप को कूल रखा जाए। आप लोगों को भी पीना चाहिए, भले इसमें चीनी डालो, भले इसमें नमक डालो। बचपन में मैं इसको पूरा कस्टर्ड, यू नो, एकदम गाढ़ा गाढ़ा बना के खाता था, पीता भी नहीं था। कैन यू स्टॉप, आई एम ब्लॉगिंग, यू इडियट। नेचुरल रहना चाहिए, है ना? नेचुरल रहना चाहिए ना, नेचुरल भी रैप्टा पड़ेगा एक। तो बहुत टाइम बाद हम लोग आउटडोर निकल रहे हैं, कुछ मस्ती करने, कुछ शूट करने। ट्रैवल का प्लान बन रहा है? हैव इट, यू वांट सम साथ? तू गजब यार, कितनी इरिटेटिंग हो ना तुम। अभी लग रहा है कि सुबह सही मुक्का मारा था मैंने तुम्हें। मी क्या गिरा? निधि, यहाँ कुछ गिरा, जल्दी देख ना तेरा दिमाग। अरे मीन साहब, थोड़ा सा पानी चाहिए मीन साहब। हाँ मीन साहब, मम्मी सब कुछ शुगर वाला पानी पिला रही है और सब कुछ शुगर छोड़ा हुआ है, देख रहे हो? वाह बेटे, मम्मी क्या कर रही है वहाँ पर? मम्मी सेवा कर रही है, मम्मी पानी की, किसके नाम के लिए? चारों बच्चों के नाम से। और छोड़ो, ये मम्मी लाओ, जल्दी जल्दी पियो। क्या बोलते हैं, शिल्पा? शिल्पा फैंटा लग रहा है यार, गिराना नहीं। इट इज गुड, गाड़ी में मत गिरा दियो। अच्छा मम्मी, अच्छा लो शिल्पा, एक और ले लो। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं, जो कमेंट सेक्शन में बहुत टाइम से आ रहा था, 40777777 देखने, तो उसको देखते हैं, बताते हैं रिव्यू। और कहाँ जा रहे हैं वो इन 1 सेकंड देखो, हमारे लिए पूरा 1.5 घंटा लगेगा। हरी मोरी मैया, कहाँ पर हम पार्क करके आ गए गाड़ी? गाइस, हम पहुंच चुके हैं मॉल ऑफ इंडिया, एम्बियंस मॉल गुड़गांव, जहाँ पर हमने पार्किंग कुछ अलग ही किसी बिल्डिंग में करी है, बिकॉज अपेरेंटली वहाँ फुल हो चुकी होगी। अरे फोटो ले लो इसकी, मैंने वीडियो ले लिया। चलो, पूरा 1 किलोमीटर दूर मॉल से, 1 किलोमीटर नहीं, एग्जैगरेट कर रहा हूँ थोड़ा सा। थैंकफुली आज हम टाइम पर मूवी देखने आए हैं। 2 hours later गाइस, जस्ट अब कौन सी मूवी देखी अभी हमने? चार्ली 777। कैसी लगी? अच्छी थी। It was emotional and मुझे ऐसी मूवीज पसंद नहीं। I like happy happy movies because I'm happy happy। Happy ending तो थी ना उसमें? मूवी में बस सब हंसते रहे, हिंगी करते रहे मेरे जैसे। मैं अपना रिव्यू दूँ तो रक्षित शेट्टी, शेट्टी ना, रक्षित शेट्टी, शो शो रक्षित शेट्टी की एक्टिंग जबरदस्त, स्क्रीन प्ले और भी जबरदस्त। मतलब मैं कहूंगा हाथी मेरे साथी जो मूवी आई थी ना हमारे 90s में, उसके बाद कोई एनिमल रिलेटेड मूवी जो थी ना, वो मुझे अभी तक की अच्छी
ये लगी। बस मुझे पूरी मूवी में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम लगी कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ डॉग बीइंग अडॉप्टेड पंचलाइन हो गई रोहन, तो व्हाई नॉट इंडियन ब्रीड, व्हाई ऑलवेज फॉरेन ब्रीड, मतलब उसमें दिखाया है लैब्रा है ना, हम इंडियन ब्रीड को क्यों नहीं दिखाते, मेरा कहने का मतलब ये है। तुम मिट्टू, कुछ कहना चाहोगी? अपनी मिट्टू अच्छी एक्टिंग कर सकती है। मिट्टू तो अच्छी एक्टिंग करती है, मिट्टू इज ग्रेट। डू यू वांट टू ऐड समथिंग बेब्स? इसी में मैं भी कहूंगी कि व्हाई ओनली फॉरेनर ब्रीड, कि हम इंडियन ब्रीड पे भी तो जा सकते हैं, उनको भी हक है। किक दोए, मैं मुक्का मार दूंगा। तुसी रो रहे हो? तुसी रो, थंबनेल थंबनेल बुबू, थंबनेल बुबू, थंबनेल। आई गॉट द थंबनेल फॉर टुडेज वीडियो गाइस, बाद में बात करते हैं, रोते नहीं। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जहां पर इनकी तोड़ने वाली है और मैं बहुत मजे लेने वाला हूँ, उसे बस टाइट रख, और तुझे अभी इसमें चल के यहाँ से लेके वहां तक जाना है। चल, टाइम वेस्ट हो रहा है, ये तेरे को तो एक्सपीरियंस रहना चाहिए, हील्स पे चलने का। चल गाइस, दीदी से चला नहीं जा रहा। रोहन स्ट्रगल करते हुए, रोहन एक बार गिर जा, रन कंटेंट लोने जो मैं यहां तो सामने लाइन पे मैं दिस है कोमो है जेन परफेक्ट और सा सा बेबी 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 तुमसे ना हो पाएगा। ए हट ना बे हट, गरम आइस पैक के मारूंगी। हाँ, बात भी ले अब। नंबर मिलेगा क्या मैडम? सॉरी आई हैव अ बॉयफ्रेंड। चले का खोपड़ी तोड़। अय 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 अय, यही वो आइस है जो ठंडी होती है बुबू, यही वो आइस है जो ठंडी होती नहीं थी को आप पता चला आज जब दोपहर गिरी है। हाँ, ये ठंडी है। अरे अभी अभी तूने क्या बोला? अभी अभी इसने दो ब्रांड्स को मर्ज कर दिया। मैंने बोला स्टारबक्स और कोस्टा कॉफी सेम होते हैं। कुछ भी बोल रही है, झूठ है ना। मैंने बोला, रोहन बोला था कि नहीं स्टारबक्स में से कुछ है क्योंकि दोनों सेम होते हैं। ब्लू ठुकाई। और यहाँ पर हुआ था फैन फेस्ट, बहुत ही ज्यादा वाहियात वाला। वाहियात इसलिए बिकॉज मुंबई में अच्छा खासा पूरा ओपन ग्राउंड में करा था फैन फेस्ट 2019-18 पता नहीं कुछ, और अपने दिल्ली में मॉल के अंदर करा जहाँ पर जगह ही नहीं थी बिल्कुल भी, ऐसे धक्का मुक्की हो रही थी ना। आई रिमेम्बर कैसे तो मैंने अटेंड करा है, और अब तो हो ही नहीं रहा ढंग से यार, ऑनलाइन हो रहा है। अभी तुम बताओ कि तुम रोई क्यों? रोंदड़ू जो वो पेन है ना अपने डॉग से अलग होने का, मैं समझ सकती हूँ, ठीक है, वो मैंने उस मूवी में फील करा, एंड दैट्स इट। बाकी सिर्फ मुझे एक, मूवी बहुत अच्छी थी, सिर्फ मुझे एक ही शिकायत है, अगर आप एडॉप्शन दिखा रहे हो तो आप इंडियन ब्रीड को दिखाओ, उनको भी जरूरत है आप लोगों के प्यार के साथ। पॉइंट है, अभी गाइस सीधे पहुंचते हैं वहां पर जहां मैं आपको आज अपनी पास्ट से थोड़ा सा रूबरू वॉइस ऑफ करवाना चाहता हूँ। सी यू डायरेक्टली राइट देयर। बाकी और तूने क्या लिया है? इसने लिया हाका लाका चूको से, पता नहीं क्या थारा यूकू से। भाई थारा भाई जोगेंद्र, देखो क्या हो गया, थारा यूकू हो गया। ये क्या है? ये केक है, डोरेमोन खाता है, जो भी कोई डोरेमोन देखता है उसको पता होगा कि ये क्या है। गाइस दैट एक्सप्लेन्स कि इसके अंदर इतना तेज दिमाग क्यों है। जस्ट अ ब्रेड जो ब्रिटानिया केक हो जाए ना भाई। हाय, कितने की है? 150 रुपए की है। जैपनीज वाले मिलके पागल बना रहे हैं। ब्रिटानिया की 20 रुपए की केक खा लेती ना, गाड़ी मत गंदी करी, बता रहा हूँ मैं। मैं जो नई जगह दिखाना चाह रहा था, बहुत लोगों के लिए नई होगी पर मेरे लिए बहुत नेक्स्ट लेवल वाली नॉस्टैल्जिक भी है। दिस एमिटी यूनिवर्सिटी मानेसर, मानेसर से मतलब 20 किलोमीटर आगे कहने को मानेसर है, और वो दिख रहा है वो जो टॉप पर है, ये वाला मेरा रूम हुआ, मतलब इसके बगल में हॉस्टल का रूम हुआ करता था। ये है सामने कॉलेज, और अभी निधि ने ना बहुत ही मस्त वाली बात करी, सामने ना संतोष बेकरी लिखा है, और रोहन दीदी ने क्या पढ़ा था? संतोष बेकरी। यार निधि क्या कर चुकी, चल तो संतोष बकरी पड़ेगी तू। शाबाश बेटा। और ये जो सामने दिख रहा है ना, यहाँ से ऊपर तक ये आराम से 3 फ्लोर तो होगा, यहाँ से मैं मेरे दोस्त और एक और बंदा था चढ़ गए थे ऊपर तक, पास से दिखाता हूँ रुको, मतलब आप देख लो कितना ऊंचा है, कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा होगा, यहाँ से लेके वहां तक तो मैं चढ़ गया था, उसके बाद जो मेरी फटी है ना, आई रियलाइज कि मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं अपने दोस्त को देख के ना ऊपर चढ़ गया, क्योंकि यहाँ तक जो मैं चढ़ गया हूँ ना, नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पूरा नॉस्टैल्जिया जैसा।
कोई प्रमोशन नहीं है अपने इस कॉलेज की, एमिटी है, पर सामने ना ये है डॉग यूनिट और यहाँ पर अलग अलग ब्रीड्स के डॉग्स हैं। नाम लो जो भी डॉग के ब्रीड, वो मिलेंगे आपको यहाँ पर। और वो सामने तालाब और वो ब्यूटीफुल सा सनसेट, ये वो ही जगह है जहाँ मैं और मेरी तन्हाइयाँ और कॉलेज के पूरे 3 साल मैंने बर्बाद किए। अगर तेरा कुछ ऐसा सीन हो ना, तेरी गर्लफ्रेंड तुझे जाने को बोले कि मैं नहीं आना चाहती, मैं तुम्हारी लाइफ से जाना चाहती हूँ, तो तू सिंपल इतना बोलियो, नहीं, हक है तुम्हारा, शौक से जाओ, पहली फुर्सत में निकलो। और वैसे भी रोहन, किसी से उम्मीद लगाने का क्या फायदा, चुपचाप मुल्तानी मिट्टी उठाओ, येरी मुल्तानी मिट्टी, यही वाली, स्किन को शाइन और दिल को सुकून मिलेगा। कैसा लगा ट्रांजिशन, अच्छा लगा है तो ठोको लाइक और दबा दो सब्सक्राइब का बटन। I am working on my face and of course उसमें मेरी शिल्पा help कर रही है जो कि रोंदड़ू है एक नंबर की। खैर, with that said, हंसते रहो, हंसाते रहो, आ जाओ कुछ बोल दो, खुशियाँ बांटते रहो, फिर मिलेंगे, खुशियाँ बांटते रहो, बांटते रहो, बोलो, बोलो, बोलो ना, हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियाँ बांटते रहो, फिर मिलेंगे, चलते चलते, आफत आ रही है इस लड़की को। खैर, आप शक्तिमान के शॉर्ट्स एंजॉय करो। बूम, हाय हाय चोर, ऐसा कौन है जो ये नहीं करता? हम नहीं करते, हम नहीं करते, तुम करती हो क्या?